नमस्कार, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10। ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सभी ने देख रखी है आज अभी तो आपके घर में बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, सीएफएल चल रही है, कोई भी और विद्युत उपकरण जैसे फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, पंखा, ये जितने भी उपकरण चल रहे हैं ये सब विद्युत धारा से ही संचालित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हम विद्युत धारा हमारे घर में आती है और उस विद्युत धारा से हम इनको संचालित करते हैं। ठीक है, सबने अच्छी तरह से ये चीज पढ़ रखी है। तो ये जो विद्युत धारा, हमारे घरों में आ रही है, कहां से आ रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, ये बात। और उसके बाद उससे पहले हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही बात पढ़ी जाएगी, सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही होगा कि विद्युत धारा है क्या। देखो क्या है, किसी परिपथ में आपने इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं, जो परमाणु होता है, एटम जो होता है, उस परमाणु के अंदर भी पहले तो यह पढ़ा जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर सूक्ष्म संरचनाएं उत्पन्न है, उपस्थित है, यह परमाणु है, ये इसका नाभिक है और यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो अभी ये इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें या परमाणु को इलेक्ट्रॉन दें तो उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो अनुपात गड़बड़ा जाता है, इन दोनों की संख्या अलग अलग हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है तो वो आवेशित हो जाता है, क्या हो जाता है, आवेशित, या उस पर आवेश आ जाता है। तो इस आवेश के कारण, ये जो आवेशित हुआ, ये हम वो कहें कि उस पर आवेश आ गया, तो इस आवेश के कारण अब जब इस आवेश का प्रभाव होता है, जब ये आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वहां पर धारा उत्पन्न होती है, एक धारा उत्पन्न होती है, उस धारा को हम विद्युत धारा के रूप में मापते हैं, विद्युत धारा के रूप में उसको हम जानते हैं। ठीक है, अभी जो धारा उत्पन्न होगी ये उस आवेश के प्रभाव से किस तरह से संबंधित होगी, उसकी दर पर निर्भर करेगी या कोई और बिंदु होगा उस पर निर्भर करेगी, वो सारी चीजें आएंगी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो जो आवेश का प्रभाव होगा ना, उस आवेश के प्रभाव की दर, अब यहां हम आवेश का प्रभाव करवाएंगे, भाई आवेश का हम क्या करवाएंगे, प्रवाह, और इस प्रभाव को समय से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हम इसकी दर निकालेंगे। तो जो इस आवेश प्रवाह की दर होगी वो ही क्या होगी, विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश, एक निश्चित समय हम तय कर लेंगे, उस निश्चित समय में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है वो ही क्या होगा, विद्युत धारा होगा। देखिए आप स्क्रीन पर, आ गया, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या फिर किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इनको लिखें पहले आप परिभाषा को,
यहां दो परिभाषा हमें दिखाई दे रही हैं, एक परिभाषा आवेश प्रवाह की दर लिखी हुई है और दूसरी परिभाषा में वो समय के साथ उसकी तुलना की जा रही है। तो बात एक ही है, दर क्या होती है कि किसी भी भौतिक राशि में अगर हम समय का भाग दे दें तो वही दर होती है। तो इसके दर के हिसाब से सेकंड में भी ये लिखा हुआ है कि विद्युत परिपथ में बिंदु से किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब जब बात एक ही है, परिभाषा दो अलग अलग है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी स्लाइड आपको पूरी प्रॉपर नहीं दिख रही थी, उसको ठीक कर रहे थे। ठीक है, देखिए, विद्युत परिपथ में बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश, अब यहां पर थोड़ा सा ये समस्या हो गई, इसको ठीक कर देता हूं। ये देखिए, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी ये परिभाषा दोनों हो गई। ठीक है, अब एक बार इधर समझिए आप, हमने क्या किया, एक परिपथ बनाया मैंने। ठीक है, एक परिपथ के लिए हमें एक तार चाहिए, तार लगा दिया, और कुछ अन्य उपकरण चाहिए जो अभी आएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, पहले मैं यहां पर एक इस तरह का उपकरण लगा देता हूं, फिर मैं यहां पर एक इस तरह का उपकरण लगा देता हूं, एक अभी थोड़े समय बाद आएंगे, ये कौन कौन से उपकरण है ये सभी आएंगे, और यहां पर मैंने एक इस तरह का उपकरण लगा दिया है और इसको संयोजित कर दिया है इनके साथ। ठीक है, अभी जब उपकरण बना तो इसमें एक तार था ए बी, इस ए बी तार का मैंने ये एक बिंदु निर्धारित किया कि या ये बिंदु मैं निर्धारित किया एक्स, मैंने बना लिया है कि बिंदु एक एक्स है। ठीक है, तो हम पढ़ते क्या है कि किसी परिपथ में, ये तो परिपथ तैयार हो चुका है, परिपथ का मतलब होता है कि विभिन्न उपकरणों को आपस में संयोजित करके उस परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है हमें। ठीक है, यह है कुंजी, स्विच जिसको हम कहते हैं ना, स्विच जिसको कहते हैं वो है जिसको हम हिंदी में कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, इस स्विच को मैंने जैसे चालू करूंगा, इस स्विच को मैं ऑन करते ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, इस तरह से यू। ठीक है,
अब हम जब हमें धारा पता करना करनी होगी, धारा की मात्रा पता करनी होगी, तो हम पता करेंगे कि एक सेकंड में इस बिंदु से कितना आवेश गुजर रहा है। एक सेकंड में इस बिंदु से गुजरने वाली आवेश की मात्रा, मतलब किसी बिंदु किसी परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। वो क्या होगी? विद्युत धारा। मतलब अगर मैंने लिखूं विद्युत धारा को प्रदर्शित करेंगे आई से, धारा को प्रदर्शित किससे करेंगे? आई से। और एकांक समय में गुजरने वाले आवेश, तो आवेश बटे समय, आई बराबर क्यू बटे टी। यहां पर क्यू तो है आवेश और टी क्या है? समय है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल यहीं लिख देता हूं, आपको कुछ नहीं मिटाना है, जो लिख लिया बिल्कुल सही है आपका। आवेश क्यू बटे समय, मतलब उस भौतिक राशि में हमने समय का भाग दे दिया, समय का भाग देते ही वो एकांक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, समय का भाग देते ही एकांक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये हो गया आवेश बटे समय, ये होगी विद्युत धारा। ठीक है, तो आपने लिख लिया है, लिखने के साथ ही आगे देखिए आप एक बार कि हम जब जैसे अगली स्लाइड पर जाएंगे, तो अगली स्लाइड पर जाते ही ये चीज हमें वहां पर दिख जाएगी, तो देखिए आप, आपके सामने आ गई है कि किसी बिंदु से क्यू आवेश टी समय में गुजरता है। क्यू आवेश ये लिखना है आपको, है ना, बोर्ड पर जो लिखा है वो यहां पर आ गया है आपके सामने लिखा हुआ, और ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा। तो माना किसी बिंदु से क्यू आवेश टी समय में गुजरता है, तो विद्युत धारा क्या होगी? आवेश बटे समय, वही लिखा हुआ है। अब विद्युत धारा आई, आई बराबर क्या होगी? क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से टी समय में एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो अब हम पता करनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमें पता चल गया कि यहां से क्यू आवेश गुजर रहा है, लेकिन प्रश्न आ गया कि किसी परिपथ में किसी बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए टी समय में, समय दिया हुआ होगा, और वहां से गुजरने वाले जब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें पता करनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो सूत्र हमें लगाना होगा वो अब आ रहा है, देखिए। यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से टी समय में एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, टी समय में एन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उस पर जो आवेश होगा ना, वो एन ई के बराबर होगा। भाई ई तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है ही, एन क्या है? उनकी संख्या, तो वो एन ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इन लाइन को आप जल्दी से लिख लें। अब देखो, आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है ना, इस चित्र में एक बहुत ही खास बात है, ध्यान से देखो आप इस चित्र को। इसमें हमें दिख रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, ये जा रहे, ये गए यहां से, ये मुड़ के नीचे आ गए और इधर आके इस बैटरी में चले गए, और इधर से निकल के इधर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। किसका प्रवाह है? ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जब आप इसमें धारा का चिन्ह देखेंगे, तो धारा का चिन्ह आपको कहीं दिख रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है धारा का चिन्ह? ये देखो, फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, विद्युत धारा का प्रवाह कहां हो रहा है? इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिख रहा है आपको।
ठीक है, इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होता है। अब यही मैं इस चित्र में समझा देता हूं आपको एक बार। ये चित्र जो मैंने बनाया, इसमें मैंने बनाया ये जो बड़ा वाला जो लाइन है ना, ये तो दिखाती है बैटरी का प्लस सिरा, बड़ी वाली लाइन बैटरी का प्लस सिरा दिखाएगी और छोटी वाली लाइन बैटरी का माइनस सिरा दिखाएगी। देखो जो बैटरी होती है ना, आप देखते होंगे जो टॉर्च का सेल भी होता है, वो टॉर्च का सेल भी इस तरह से होता है, उसके दो सिरे होते हैं, इधर इस वाले सिरे पर प्लस लिखा होता है, इस वाले सिरे पर माइनस लिखा होता है, दो सिरे दोनों पर लिखा होता है ना प्लस माइनस। ऐसा ही ये तो सेल है, और एक से अधिक सेलों को जोड़ करके हमने क्या बना दी, बैटरी। तो ऐसा ही बैटरी में दो सिरे होंगे, तो यहां पर ये तो प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। अब मैंने विद्युत धारा को प्लस से माइनस की ओर दिखाया है, देखो आप प्लस से ये गए हम, इधर धारा दिखाई है मैंने, इधर गए ये दिखा दी मैंने, मतलब विद्युत धारा मैंने दिखाई है इस प्लस से चल करके और माइनस की ओर। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा माइनस से प्लस की ओर, इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत होगा, ऐसे कह सकते हैं, या हम यूं कहें सीधी सीधी बात ज्यादा सही है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर है तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगी, ठीक है भाई, आवेश तो यूं जा रहा है लेकिन विद्युत धारा इधर से इधर प्रवाहित हो रही है। तो जो चित्र हमने आप अभी आपकी स्क्रीन पर आपने देखा था, उसमें भी यही हो रहा था कि एक जो हमने तार लगाया हुआ था, ये तार उसको मोटा कर दिया था वहां पर, इस तार में जब इलेक्ट्रॉन दिखाया, क्योंकि तार बेलनाकार तार हमने ले रखा है, ठीक है, और हम ज्यादातर परिपथों में बेलनाकार तार का ही उपयोग करते हैं, तो इस बेलनाकार तार में ये बता रखा है आपको, ये बिंदु एक्स था, इसको मैं नीचे लिख दूं, इसमें क्या बता रखा था कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हो रहा है इस दिशा में, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सब लाइन से रवानगी ले रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है, लेकिन विद्युत धारा कहां जा रही है, इस इन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, इस दिशा में जा रही है विद्युत धारा, ठीक है, इधर से इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो जा रही है। तो ये बात आपकी समझ में आई गई होगी कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। जब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आगे जो हमने अभी देखा था कि Q बराबर एनी, देखो हमने देखा कि यदि किसी विद्युत परिपथ में हमें पता करने हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाह हो रहे हैं, अगर कोई आवेश की मात्रा हमें दे दी जाए, तो हमने क्या पढ़ा था कि आवेश, इधर लिख देता हूं मैं, आवेश Q बराबर एन ई, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया Q बराबर एन ई। अब यहां पर N तो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, भी आएगा अभी आप ना लिखें थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हमें पता है कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है, इसको आप याद कर लें, ये फिक्स वैल्यू है 1.6 यूनिट टेस्ट पावर माइनस 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है इसलिए यहां पर इनका चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है ना, ये ऋणात्मक होता है इसलिए यहां पर इनका चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से हम परिपथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी याद कर सकते हैं, यहां से मुझे एन की वैल्यू पता करनी है तो एन बराबर क्यू अपॉन ई, ये एक नया सूत्र हमें पैदा यहां पर यहां से मिल जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहां स्क्रीन पर लिखी हुई मिल जाएंगी, धारा का मात्रक भी मिल जाएगा, विद्युत धारा में एनी, अगर धारा निकालनी है हमें पूरी इस तरह से, अगर धारा निकालनी है तो यहां पर इसका मान हम रख दें, देखो अगर मुझे धारा निकालनी है और मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, क्यू की जगह पर क्या लिख दूंगा, एनी, तो क्यू बराबर एन ई बटे ये लो, मैं यहां से धारा निकाल लूंगा, और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन संख्या निकालनी है तो मैं इस सूत्र का उपयोग कर लूंगा, यहां से भी अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो
तो भी आप कर सकते हैं आईटी बटे एनईए। अगर धारा दे रखी है समय किसी परिपथ में निश्चित समय तक कुछ एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है और उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कीजिए उस निश्चित समय के लिए, तो वो यहां से भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सूत्रों से हम कई सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। अब इन सबको लिखने के लिए अभी हम थोड़ी देर ब्रेक के बाद स्क्रीन पर आपके दिखाऊंगा मैं, फिर आप उनको नोट कर लें और चैप्टर में फिर आगे बढ़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्क्रीन पे देखिए सीधा, क्योंकि इसकी बात हम पहले ही कर चुके थे। देखिए I बराबर Ne बटे T, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, लिख लें आप। T समय है ही, हमें पहले से पता है इसके बारे में, तो अगर नहीं पता चल रहा तो आप लिख लें T समय सेकेंड्स में। अब आती है बात मात्रक की, तो देखिए I बराबर Q बटे T हम पहले से ही पढ़ के आए हैं। Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, और कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं और एम्पियर को हम लिखते हैं A से। कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर को लिखा जाता है A से, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को अगर मिली एम्पियर में लिखा जाए, एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे? 10^-3 और माइक्रो में 10^-6 एम्पियर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरह की वैल्यूज हमें प्रश्नों में मिलेंगी कि किसी विद्युत परिपथ में कुछ धारा लिख ले आप। हो गया,
ठीक है ना, मात्रक एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, यहां तक का काम हमारा हो चुका है। अब एक एम्पियर की परिभाषा यदि हम बात करें कि एक एम्पियर क्या होता है, तो उस एक एम्पियर की परिभाषा में देखिए, यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। उस परिपथ में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। लिख ले आप, प्रश्न को अभी ना देखें, वो दिख गया है पहले, बाकी दिखना नहीं चाहिए था, वो थोड़ा सा अब देखो जरा समझो एक बार, एक एम्पियर क्या होता है, एक एम्पियर देखो हमें इस सूत्र से देखना है आपको, ये वाले सूत्र से समझिए आप, ये अभी रट जाएगा आपको एक एम्पियर क्या है। देखिए किसी विद्युत परिपथ में एक सेकंड में, देखो I बराबर क्यू बटे टी हमने पढ़ रखा है, इस I का मान मुझे एक लेके आना है। आई का मान एक कब आएगा, जब ये दोनों समान हो, ये दोनों बराबर हो। इन दोनों को बराबर करने के लिए अगर इसको भी मैं एक कर दूं और इसको भी मैं एक कर दूं, तो क्या आई का मान एक आ जाएगा। देखो आई बराबर क्यू बटे टी, तो आई बराबर एक बटे एक बराबर एक, ये लो आ गया। और ऐसी जो एकांक परिभाषाएं होती है, जो एकांक की परिभाषा होती है, उसमें उनमें उन जो भौतिक राशि जब निकाल रहे हैं उसका सूत्र आप देखें और उस सूत्र की सभी भौतिक राशियों को यूनिट कर दें, एकांक कर दें, तो एकांक जो जो एक की जो परिभाषा होती है वो अपने आप निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। अब लिखेंगे कैसे, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, दो चीज तो हमें निश्चित करनी पड़ेंगी, ये तो परिपथ हमने निश्चित कर दिया और ये हमने बिंदु निश्चित कर दिया, बिंदु और परिपथ। तो किसी परिपथ में किसी निश्चित बिंदु से एक सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरने में, ठीक है ना, एक सेकंड में एक कूलाम आवेश गुजरता है, तो उसमें प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। बात खत्म कर लेंगे अब आप, ठीक है। कोई सा भी प्रश्न हो, ऐसे एकांक वाले कोई सी परिभाषा हो, आप उसका सूत्र लिख लेंगे साइड में, उनको देख लें कि मुझे ये और ये भौतिक राशियां हैं, इनको हमें यूनिट करना है, एकांक करना है, उनको एकांक करते ही आपकी परिभाषा तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोबारा से आप देखिए, प्रश्न आ गया इस पर कि दो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, आवेश की मात्रा दे रखी है दो कूलाम और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, ठीक है। तो देखो हमने सूत्र पढ़ी रखा है, सारा आपके स्क्रीन पर आ गया है, सॉल्यूशन भी है ना। चलो कोई बात नहीं, Q बराबर एनी हमने पढ़ी रखा है, N बराबर Q बटे E, ये सूत्र आपको बता ही रखा है, Q का मान दे रखा है दो कूलाम और E का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान हमें पहले से ही पता है 1.6 × 10⁻¹⁹। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻¹⁹, वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा जब, और 1.6 का जैसे हम पॉइंट हटाएंगे, वो पॉइंट हटाते ही वहां से इधर देख लो आप एक बार, Q बराबर एन ई हमें पता करना है, N तो N बराबर Q बटे E, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन का जो अभी लिख रहा था सामने, N बराबर Q बटे E, Q दे रखा है उसने दो कूलाम बटे E हमें पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ऊपर भी कूलाम और नीचे भी कूलाम, तो कूलाम से कूलाम से कैंसिल हो जाएगा, संख्या आ जाएगी अपने आप निकल के, संख्या क्या आएगी, ये आएगा 20/1, ये हट गया पॉइंट, यहां से पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो लगा दी और इस प्लस माइनस 19 को ऊपर ले गया तो 10^-19 प्लस में आ गया ऊपर,
ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 × 16 और 16 × 32 40 होते हैं और 16 × 5 = 80 × 10^19 इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। 1.25 × 10^19 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। तो दो कूलाम आवेश प्रभावित करने में इतने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा किसी एक बिंदु से निश्चित समय में, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसका यहां पर हो चुका है। ऐसा ही एक प्रश्न और अगर मैं दूं आपको, यहां पर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में ४० कूलाम आवेश २ सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा ज्ञात करो। देखो समय नहीं दे रहा मैं इसको करने के लिए। देखिए I बराबर धारा बराबर एकांक समय प्रवाहित आवेश धारा कहलाता है, Q/T। सूत्र लिख दिया और सवाल यही सॉल्व हो गया। क्यों दे रखा है, कितना है 40 कूलाम, समय दे रखा है 2 सेकंड, जब सॉल्व किया क्या आ गया 20 एम्पियर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, 20 एम्पियर। तो ये सॉल्यूशन इसका हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा विभव पोटेंशियल। देखिए आप स्क्रीन पर ही सीधा देखो विभव क्या है कि जब हम बैटरी लगाते हैं, कहीं भी कोई बैटरी संयोजित करते हैं तो उस बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। उन दोनों सिरों पर कुछ विभव का अंतर रहता है जिसके कारण वहां पर धारा प्रवाहित होती है। तो उसमें जो विभव आया वो विभव है क्या, विभव है कि क्यू आवेश को, हमने एक आवेश ले लिया क्यू, उस क्यू आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक है। क्यू आवेश हमने ले लिया, लिख ले आप चाहे तो पहले लिख ले विभव के बारे में, किसी बिंदु पर विभव अनंत से एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इधर एक बार, मैंने क्या किया, ये अनंत है, इस अनंत से मुझे एक क्यू धन आवेश है, ये धन आवेश है, ठीक है। और इसको मुझे किसी विभव के क्षेत्र में लेके आना है, यहां से मुझे इसको यहां तक लेके आना है, यहां पर है विभव मान लो ए वी ए, तो यहां से यहां तक लाने में जो मुझे कार्य करना होगा वो कार्य इस स्थान पर विभव के रूप में संचित हो जाएगा। भाई इस धन आवेश को मैं यहां से लेके आ रहा हूं, यहां से लेके आने में मुझे इसमें कार्य करना होगा क्योंकि अनंत का विभव जीरो माना गया है। जब इस आवेश को मैं जीरो से किसी मान वाले स्थान पर लेके आऊंगा, विभव वाले स्थान पर जब मैं इसको लेके आऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। और वो जो कार्य मैं करूंगा वो कार्य क्या होगा, इस आवेश के विभव के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो जो कार्य होगा वो इस आवेश के विभव के रूप में संचित हो जाएगा। अंतर आ गया दोनों का।
भाई हमने यहां का ज्यादा है ये ले लिया, ये जीरो हमने माना हुआ है, तो वी है माइनस वी अनंत बराबर किया गया कार्य, और किस पर किया गया कार्य, आवेश पर किया गया, वो हमने यहां पर पूरा लिख लिया है। ठीक है, अब मुझे किसी बिंदु ए, अब ये जीरो है ही, तो विभव बिंदु ए का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बटे क्यू, क्योंकि ये तो जीरो है, अनंत का तो जीरो माना जाता है। ठीक है, इसको जीरो से कुछ मान यहां पर हम ले लेते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया, अब आप इसको लिख लें एक बार, देखिए स्क्रीन पर आ गया आपकी, पे ये सारा यहां इसी तरह से लिखा हुआ है, वी ए माइनस वी अनंत बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, ये अनंत पर कोई क्यू आवेश था, इसको हम यहां से लेके आए इधर बिंदु ए तक। ठीक है, तो अनंत का विभव हम जीरो मान रहे हैं, ये जीरो होते ही ये वी ए बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, डब्ल्यू किया गया कार्य है और क्यू वहां का जो आवेश है वो है। ठीक है, अगर क्यू एक कूलाम हुआ, अगर हम एक कूलाम आवेश को लेके आ रहे हैं, तो किया गया कार्य कंप्लीटली वहां पर विभव के रूप में संचित हो जाएगा। सभी मैंने जब पहले में परिभाषा बोला था तो वहां मैंने एक कूलाम आवेश बोला था कि यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ये देखो, ये जो है ये, और ये यहीं से आपकी ये परिभाषा तैयार की गई है। ठीक है ना, एकांक इसको एक कर दिया, किए गए कार्य डायरेक्ट विभव पूर्व में संचित हो गया। क्लियर, चलिए आगे। अब अगला बिंदु है इसी के इससे रिलेटेड है, विभवांतर। विभवांतर क्या होगा कि जब हम धनावेश को किसी दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर है, वो विभव का अंतर क्या है, वो किए गए कार्य के बराबर ही है। ठीक है, किए गए कार्य के बराबर ही होगा विभव का अंतर। देखो आप पढ़े परिभाषा एक बार, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ये एक ला आधा एक ज्यादा आ रहा है यहां, ठीक है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है, लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। इसलिए आप परिभाषा वी ए, जो हमने विभव पढ़ा था ना, उस विभव की स्टार्टिंग हमने विभवांतर से ही करी थी। विभवांतर से स्टार्ट करते करते जब हम अनंत को हमने जीरो कर दिया, अनंत को जीरो करते ही वो विभव में परिवर्तित हो गया। अब हम दो बिंदु बना ले, मान लो देखो एक बार यहां पर, अब अनंत की जगह पर मैं क्या कर दूं, कोई बिंदु बना दूं वी ए, ठीक है, और इसको बना दूं मैं वी बी। ठीक है, देखो आप एक बार, इसको मैं वी ए बिंदु बना दूं और इसको मैं वी बी बी बिंदु बना दूं, तो अगर जब ए बिंदु से किसी धनावेश को लाने में, बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अब ये तो हो जाएगा वी और ये हो जाएगा वी ए, ये कहलाता है विभवांतर। ठीक है, अब वी ए को अगर हम अनंत कर दें, स्थिति है ना, और मान कितना हो जाए जीरो, इसको जीरो करते ये बदल जाएगा विभव में, और किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर रखने पर यह बदल जाएगा विभवांतर। अगर दोनों बिंदुओं के मान है तब तो विभवांतर है, और अगर एक जीरो हो गया तो हो जाएगा वो विभव। ठीक है, जब आप बैटरी बनाएंगे तो वहां प्लस माइनस दो हम सिरे बनाते हैं, उन दोनों के विभवों में अंतर होता है, वो कहलाता है वहां का उसका विभवांतर, और विभव को हमेशा विभवांतर के रूप में ही वहां पर मेजर करेंगे। ठीक है, देखिए आप एक बार और देखिए स्क्रीन पर, धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, जैसे जल होता है ना, पानी हमेशा उच्च स्तर से, उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर जल का प्रवाह होता है, उसी तरह से विभव का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही होता है। ठीक है, तो ये बात रही हमारी अब विभवांतर की, विभव विभवांतर विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन की संख्या, इन चारों बिंदुओं को आप ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना घर पे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे अगली क्लासेज में। नमस्कार।